क्वेश्चन नंबर सिक्स, इट सेज द पावर इनपुट टू अ फिलामेंट लैम्प व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सप्लाई इज 20 वॉट। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय पावर। तो ये जो फ्रेज है ना, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय समथिंग, इसमें असल में हमें डेफिनेशन उसकी राइट डाउन करनी होती है। तो मैं लिखूंगा, पावर क्या होती है? इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ओके, कैलकुलेट द करंट इन द फिलामेंट। करंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पावर, करंट और वोल्टेज का, P इज इक्वल टू वी आई। और इसमें हम अगर करंट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो पावर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय वोल्टेज। पावर इज 20 वॉट और वोल्टेज 12 वोल्ट्स है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.7 एम्पेयर्स का। और ये टू सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर विद यूनिट हम आंसर स्पेस में लिख देंगे। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। ओके, रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, विच मीन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट। सो वोल्टेज 12 था, करंट 1.7 है, तो मैं इसको 7.0 ओम्स लिख रहा हूँ। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प। नेक्स्ट पार्ट, द फिलामेंट इन अनदर लैम्प इज मेड फ्रॉम थिनर वायर ऑफ द सेम लेंथ। ओके, अब इसका मतलब है कि हमने वायर को थिन कर दिया, और थिन करने का मतलब ये कि हमने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर दिया। लेंथ को हमने सेम रखा एंड मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, और मटेरियल भी सेम है, इसका मतलब है उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। बोथ लैंप्स आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सप्लाई, दोनों को सेम वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया। स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ यूजिंग थिनर वायर इन द फिलामेंट अफेक्ट्स द पावर इनपुट टू द लैम्प। ओके, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, जिससे हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम कभी भी किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो फिर हमारे पास जो है ना वो लोअर करंट फ्लो करता है, और करंट के लोअर होने से पावर, इनपुट पावर लेस हो जाती है विच इज़ बींग ट्रांसफर टू द लैम्प। तो हम यही दोनों बातें यहाँ पे लिखेंगे। नंबर वन, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल इंक्रीज, क्या हम यूं भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज लार्जर विच reduces the flow of current and the power is also reduced। ठीक है, पावर जो है वो v square upon r या i square r होती है। तो आपके पास अगर करंट रिड्यूस होता है तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो है ना पावर भी रिड्यूस हो जाती है, या अगर आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो डिनोमिनेटर जब इंक्रीज होके वी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पावर की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। तो इस तरह से क्या डिफरेंस आएगा वो हमने यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन कर दिया।